पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, बिहार के हर शख्स को मुफ्त में टीका लगेगा। सीतारमण ने कहा कि ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र का सबसे पहला वादा है और जैसे ही कोविड-19 का टीका बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा, बिहार में तो बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपको बता दें बिहार चुनाव में बीजेपी पार्टी ने बहुत बड़ा वादा कर दिया। कोविड-19 की वैक्सीन आते ही मुफ्त में टीका होगा, बिहार के एक एक व्यक्ति का मुफ्त में टीकाकरण होगा, निःशुल्क टीकाकरण होगा, ये वादा किया गया है चुनावी मैनिफेस्टो में। निर्मला सीतारमण ने आज घोषणा पत्र जारी किया। अभिनव पांडे हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं तमाम जानकारी के लिए। अभिनव जी, चुनावी मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने जारी किया है, इसमें बेहद अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो टीका है कोरोना का, वो आते ही बिहार में सभी को निशुल्क टीका वितरण किया जाएगा, ये कहना है बीजेपी पार्टी का। क्या ये नहीं लगता कि इसमें भेदभाव कर रही है पार्टी? मैं देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि जो मैनिफेस्टो है उसमें बिहार को लेकर जिस तरह की घोषणाएं की है, उन घोषणाओं में ये साफ दर्शाता है कि अभी भी सरकार जो है वो अब कोरोना काल में बीजेपी खासतौर से कोरोना में भी वो राजनीति ढूंढ रही है और राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अगर आप मैनिफेस्टो में ये डालते हैं और मैनिफेस्टो में अगर कहते हैं कि जिसको भी जो टीकाकरण होगा वो टीकाकरण मुफ्त में होगा, अब सवाल ये है कि अभी टीका आया भी नहीं है विश्व में किसी भी देश ने या भारत ने भी अभी कहीं भी टीका दर्शाया नहीं कि टीका कब आएगा, कौन सी कंपनी बनाने जा रही है, उस टीका का समर्थन, उस टीका का कितने क्या होगा, वो टीका लोगों को लगेगा, वो भारत की उसमें गाइडलाइन क्या है, भारत सरकार की उसमें इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का उसमें क्या गाइडलाइन होगी, कैसा टीका होगा, किस प्रारूप में टीका होगा, ये सारी चीजें जो है अपनी जो अभी जो है वो जो है आनी बाकी है। और इसी बीच में जो है उन्होंने साफ तौर से किया है कि जो भी शुल्क है, जो भी इसका शुल्क होगा वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, यानी बिहार में आपको, तो इसका मतलब है कि अगर बाकी अन्य राज्य जो है आप जो मरीज होंगे या वहाँ पर जो नागरिक है उन लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। सरकार की जो एजेंडा है उसका यही है। फिलहाल मैं बता दूं कि आज बीजेपी ने जो है मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें कुछ चीजें जो स्पष्ट की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, उस पर जो है खरीदारी होगी, 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि 15 साल से सरकार जो है वो चाहे वो JDU के समर्थन में रही हो या फिर इस बार अकेले की सरकार रही हो, लेकिन बीजेपी की सरकारों में भी जो है अभी इस तरह का जो है वो भेदभाव जो है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। ये कोरोना काल में पहला घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी पार्टी का, कितना अलग इसको माना जाए पिछले चुनावों की अगर तुलना की जाए तो कितना अलग है ये घोषणा पत्र? देखिए पिछले अगर आप देखिए लोकसभा के जो भी घोषणा पत्र थे उसमें जो भी घोषणाएं भारत सरकार ने उसमें बीजेपी और मुख्य एजेंडा उसपे रहा कि धारा 370 वो हटाएंगे, इसके अलावा जो है राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का भव्य निर्माण, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि उनके पूर्व में भी घोषणाओं में रही हैं। अब सवाल ये है कि उत्तर बिहार के जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में सबसे प्रमुख है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो नीतीश कुमार है, इनके अपने एनडीए का जो गठबंधन है उस गठबंधन में VIP के अलावा जो है हम है, आप है, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि अलग अलग तरीकों से जो है एनडीए को समर्थन दे रही है। अब चूंकि इस समर्थन इस पूरे जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है वो की मंशा साफ है कि वो आने वाले समय में जो है बीजेपी अगर सरकार बनती है तो इन मुद्दों पर भी वो काम करेगी। इसका मतलब है कि 15 सालों में बहुत ज्यादा जो है सरकार अभी भी जो है बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई है, किसानों के हित में अभी काम नहीं हो पाया और ऊपर से जो है कोरोना महामारी के दौरान जो है जो तमाम जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन लोगों को रोजगार,
जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव जी। और फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।